को कुछ नहीं पूछना एक दूसरे जी अब मुझे बताएं, हमने केराटोसिस चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है, डॉक्टर ऑसिफ ने करवा लिया है, ऑनलाइन आपके लेक्चर्स हुए हैं, अब वो आप पर डिपेंड करता है आपने कितने लेक्चर लिए हैं, ठीक है, माई तरफ से वो मुकम्मल हो चुका है, रिविजन इंशाल्लाह कह देते हैं बट नॉट श्योर कि आपको इतना टाइम मिलेगा इनमें या नहीं, कि वो हर चैप्टर का रिविजन हो सके, ठीक है, इंशाल्लाह हम अपनी से पूरी कोशिश करेंगे कि हो जाए, क्योंकि बहुत हैफेजर चीजें आपकी तरफ से रही हैं, हमारी तरफ से तो वह सीक्वेंस में चले हैं चैप्टर, ठीक है, आप लोग कभी आते हो ऑनलाइन में कभी नहीं आते हो, तो बेहतर है कि आप खुद से भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, बल्कि अब तक आदत हो जानी चाहिए, सीधे बैठो। अच्छा मुझे कोई हैंड रेस करके बताए प्री मैलिग्नेंट लीजन कंडीशन में क्या डिफरेंस होता है, एनीवन जनरलाइज्ड होती है एंड लोकलाइज होता है, फिर जी हैंड रेस जबात और ये तो उन्होंने बोला लोकलाइज होता है लीजन, कंफर्म कंफर्म जी, आप भी यही बोल रहे थे, सेम बोलना था सबने, और किसी को कुछ पता है, एग्जाम्पल्स मैंने पूछी ही नहीं अभी जी, फैज एग्जाम्पल लीजन की, प्री मैलिग्नेंट लीजन एग्जाम्पल, उमर मास्क नीचे करो, नीचे करो, हाँ बस ऐसे ही बैठे रहो जी, फैज फातिमा आपसे पूछा जी, नाम तो पता होंगे, कुछ नहीं तो नाम पे तो कभी ध्यान दिया होगा ना, फैज कौन है, अरोमा के बराबर कौन बैठा है, नाम हमीदा जी, बच्चे लीजन एग्जाम्पल्स प्री मलिग्नेंट लीजन एंड एंड याद नहीं, ये भी अभी अभी सुना है चारों चारों से जी, जब बात कंडीशन ठीक है एंड कंडीशन, अभी कंडीशन पूछ रही हूँ ठीक है, और लाइक एंड प्लैनेट्स, ठीक है, तो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट जिसका हम पढ़ने जा रहे हैं स्लाइड, सब अपने जर्नल में ये लिखेंगे, कहीं और कोई नहीं लिखेगा, जिसके पास जर्नल नहीं है वो एक बच्ची थी, एक ही बच्ची थी और तो नहीं कोई, तो इतनी देर में हैंड रेस क्यों है, तब भी तो यही पूछा था मैंने, कब पूछा, क्या बात है, सुनती नहीं है बरीरा, नहीं कुछ या सुनती नहीं है, तीन बच्चों के अलावा मुझे कोई जर्नल में करता नहीं दिखे, ठीक है, जर्नल में सब करते दिखे उन तीन के अलावा जी, अरुमा तो ठीक है, अटेंडेंस का तो नहीं कहा ना उसने, नहीं अटेंडेंस का नहीं कहा, ठीक है ओके बस बस ठीक है रूमा, अच्छा तो आज हम करने जा रहे हैं वो है लाइक एंड प्लैनेट्स, जो कि आता है किसमें, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में, ठीक है, अच्छा कोई एक बच्चा रीड कर लो, बाकी सब कॉपी करना स्टार्ट कर दें जी, रूमा जोर से पढ़ो, अच्छा अब किसी ने कहा था कि कंडीशन जनरलाइज होती है, तो मुझे बता दें लाइक एंड प्लैनेट्स हमें सिर्फ ओरल कैविटी में मिलेगा, ठीक है शाबाश, अच्छा इसके कुछ टाइप्स होती हैं किसी को याद है जी, बोले सोलह कोई भी जो याद आ रही है, शाबाश बता रही है, बता रही है बच्ची, बताने दें उसको,
काउंट करो कितनी बताई हैं, रेटिकुलर, इरोसिव, एट्रोफिक, एक ही होती है ठीक, और बुला लाइक ठीक है, और प्लाक लाइक, और एक रहती है कोई, सारी हो गई। चलो लिखो बताती हूँ, लिखो लिखो आगे चलें क्लास। दो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी अपने जर्नल में स्टार्ट कर दें इसको ठीक है। नाम क्या है, नाम भूल गई हूँ मैं, सॉरी नाम, जी जी शिज बच्चे रीड करो। ये जो बिन बिन कर रहा है क्यों कर रहा है, व्हाई, कुछ लिखना है बच्चे? अच्छा हाँ आप नहीं लाए हो, ठीक है। अच्छा इसका जब भी कोई केस आता है आपके पास बीसीक्यू में आता है तो सबसे पहली चीज आप लोग क्या देख रहे हो, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली क्या देखते हो, लाइक इसकी कौन सी ऐसी चीज बताएंगे जिसका आपको वाइट लाइन अगर जाएगा माइंड तो फॉरन इसकी तरफ जाएगा, लाइक एंड प्लेन्स की तरफ, एनीवन? नॉट ऑलवेज बट यूजुअली, मैंने कहा ना ओरल पैथ में कभी भी ऑलवेज नहीं होगा, बट यूजुअली आप कौन सी ऐसी चीज देखोगे क्लिनिकल फीचर में, इंस्पेक्शन नहीं, व्हाइट लीजिए मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, या फिर आप देख भी रहे हो, इंस्पेक्ट कर रहे हो, सिर्फ हाथ नहीं लगा रहे जस्ट देख रहे हो, और मतलब एक ऐसी चीज जिससे आपको फॉरन लगेगी। हाँ बच्चे बट ओरल कैविटी अगर इंस्पेक्ट कर रहे हो तो ऐसी क्या केस में आ सकती है जिसे आपको फॉरन से जाएगा कि लाइकन प्लानिस हो सकता है व्हाइट लीजन में, कैसा होता है ये? बायलेटरल, ठीक है। अगर बायलेटरल वाली चीज आ जाती है किसी भी व्हाइट लीजन का, आपका पहला इंस्पेक्शन किस पे जाएगा, लाइकन प्लानिस हो सकता है, ठीक है। ल्यूकोप्लेकिया क्योंकि हमेशा बायलेटरल नहीं होता, वो कभी कभी बहुत कम होता है कि बायलेटरल हो, वरना वो सिंगल ही मिलता है, ठीक है। अच्छा फिर इसके कुछ टाइप्स हैं मिक्स बताएंगे, इसमें व्हाइट स्ट्राइशंस होती हैं, पेट्यूल्स ऑफ प्लाक लाइक होता है, ठीक है, बुल्ला फॉर्म में मिलता है, ब्लिस्टर्स फॉर्म में, स्किन पे भी ज्यादा इसके बुल्ला फॉर्म मिलती है, ठीक है। या आगे चलें, अच्छा चलो टेक योर टाइम, हिस्टोपेंसिस लाए हो आप लोग, क्यों, व्हाई नो, उमर 10 बजे मैसेज आया है तो सुबह जब तो तब तो देखा होगा ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि स्क्रीन, कैसे हो सकता है कि आप लोग को अपनी फोन की स्क्रीन ही ना देखो, नॉट पॉसिबल, नहीं कुछ या मैं नहीं मान सकती, ऐसा होता है ऐसा बात कि आप उठो फोन की स्क्रीन ना देखो, होता है ऐसा? इतने दिनों बाद कॉलेज आओ तो भी लेट हो रहे हो तो फिर नहीं देखते, ये तो गलत बात है, देखना पड़ता है ना, जुबात को तो वैसे भी देखना पड़ता होगा। अच्छा हो गया, आगे चलें, क्लास सबका हो गया, फैज उमर बातें बंद कर दो, एक काम करो अपनी सारी चीजें लेके यहाँ के बैठ जाओ, वहां अच्छे नहीं लग रहे हो, कोई बात नहीं यहाँ आ जाओ, आ जाओ बच्चे जल्दी से आ जाओ, कोई बात नहीं, फैज आप इस कोने में आ जाओ बच्चे, ठीक है हो गया, ये रहता है, कोई बात नहीं उसको छोड़ दो, इतनी मदद नहीं करनी चाहिए। जी फैज हो गया,
बोल रहा है हो गया इसका। चलें क्लिनिकल फीचर्स आप तो कुछ सिया। अच्छा ठीक है, कौन सी होती है फ्लेक्सी सरफेस? हाँ बट एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर अलग अलग होगी ना, या फिर फ्लेक्सर इनर सरफेस, ठीक है जहाँ फोल्डिंग हो रही है, सही है वहां पर मिलते हैं, और फिंगर नेल्स। पूरे केराटोसिस चैप्टर में प्री मैलिग्नेंट कंडीशन लीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है उसमें से बहुत बीसीक्यूज बनते हैं और सारे केसेस होते हैं, सही है। तो इसके हिस्टो फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स आपको अच्छी तरह आने चाहिए। वेलकम उमर, सब कुछ ठीक है, लेक्चर ले सकते हो, अटेंडेंस भी लगेगी। अरुमा ने कहा कि उमर बोल रहा है मैं लेक्चर लेना चाह रहा हूँ, अटेंडेंस का इशू नहीं है। बस बस बातें नहीं करनी है बच्चे, जल्दी स्टार्ट कर दो। और ये लीनियंसी सिर्फ अभी तक के लिए थी, नेक्स्ट टाइम सबके जर्नल होने चाहिए और कंप्लीट, ठीक है ये ना हो कि कोई मिस हुआ हुआ है, हम नहीं थे यहाँ पर, अभी आए हैं, कुछ भी नहीं, एक दूसरे से लेके कंप्लीट करना है, ठीक है। इस वीक का आपको रिलैक्सेशन दे देते हैं, नेक्स्ट वीक जो आपका प्रैक्टिकल होगा, लेकिन मैंने सुना है कि आपका असेसमेंट है ट्यूजडे एंड वेडनेसडे, ठीक है तो मंडे सबमिट कर सकते हो कंप्लीट जर्नल। मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ मंडे चाहिए, ठीक है कमिंग मंडे। क्या है तो क्या हुआ, उससे पहले इतने सारे दिन है, तो वो सब नहीं किया आपने घर में कंप्लीट? क्यों चलो फिर फ्राइडे कर लो, बट उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्राइडे सबके जर्नल मुझे मिलने चाहिए, क्योंकि इतना डिले हो गया काम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आपका दोबारा से नहीं हुई ऑफ तो फिर फ्राइडे चाहिए मुझे। कुछ सिया हो गया सबका यहाँ तक जी, तो कौन कौन सी बताई थी हमारे पास? सौरिया ने बता दी थी वैसे सारी, इसकी 5 होती हैं, 6 किसकी होती हैं? एनीवन, 6 टाइप्स किसकी होती हैं, किसकी हिस्ट्री की होती है, कुछ याद हो अगर पुराना डॉक्टर उसमें ने पढ़ाया था। ओडोंटोजेनिक ट्यूमर से बहुत आपका जाना माना मशहूर तरीन जी, ऑनलाइन है वो भी बता सकते हैं अगर दिक्कत ना हो तो आप लोगों को। अमीलोब्लास्टोमा किसने कहा? क्या ये लोग तो इतनी सी कोशिश भी नहीं करते। ठीक है कर तो दिया, और कितना पीछे जाना है? बाकी कैसे चल रहे हैं आपके सब्जेक्ट्स? ठीक चल रहे हैं, समझ आ रहे हैं? नहीं ये तो गलत बातें नहीं आ रहा, थोड़ी सी खुद भी कोशिश करनी पड़ती है। मैं तो ये देखा है कि आप लोग ऑनलाइन होते हो और फिर सो जाते हो, बीच में नाम लेते रहो, बहुत कम होता है कि आवाज रिप्लाई आए।
देखो उमर मेरी बात से अग्री कर रहा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा ये करता है। रेटिकुलर कैसे होते हैं? लेस लाइक स्ट्राइस आती हैं, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ वाली स्ट्राइस, ठीक है। एट्रोफिक होंगे तो कैसे होंगे? रेड लीजन्स बन रहे होंगे, इथ्रोप्लेकिया टाइप होती है, ठीक है लाइक एन प्लैनिस, व्हाइट लीजन है बट इसमें पैचेस बन रहे हैं डिफरेंट, सही। प्लाक लाइक होगा तो पूरा एक जैसे पैच होता है, बिल्कुल उसमें वो नहीं होगा, एक ही कलर का पैच होगा पूरा, ठीक है। तो उसका कलर डेम होगा प्लाक लाइक, ठीक है। उसके अलावा इरोजिव है, एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ शेलो अल्सरेशन, इरोजिव बात ही इरोजन की हो रही है, ठीक है। बुलस, आप सबको पता होना चाहिए, बुलस बुल्ला से निकला है, ठीक है, जिसमें फिल्ड होता है, वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। यहाँ तक हो गया है सबका रिस्पॉन्स? तो दे दो कोई, अब तो इतने से हो, कोई पीछे वालों को हो गया, फैज को हो गया, सॉरी। जी आगे चलें क्लास, इसको तोड़ दूंगी, ठीक है। फीचर्स और कोई रीड करे? उमर के पीछे जो बैठी हैं वो रीड करें, रेड स्कार्फ। क्या नाम है बच्चे आपका? बुशरा, हाँ रीड करो बच्चे। ठीक है, इरोजन, फिर वही बात आ गई, क्या है ये? शेलो इरेगुलर एरियाज या अल्सरेशन जो आप कहते हैं, ठीक है, ये वो वाली बात हो गई। स्ट्राइए क्या होते हैं? शार्पली डिफाइंड स्नोई व्हाइट लेसी स्टारी पैटर्न, ठीक है। कैसे होंगे ये स्ट्राइएशंस? किसको बोलते हैं आप? इरेगुलर पैटर्न बन रहा होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, ठीक है, स्टारी पैटर्न बोल रहे हैं इसको, ठीक। अभी आएगा तो आप देखिएगा, वैसे इसमें नहीं होगा, आपकी बुक में होगा, बहुत अच्छा इसका इलस्ट्रेशन, ठीक है। इस वाले में इतना अच्छा नहीं है साइज में। एट्रोफिक तो वो रेड कलर के एरियाज बने हुए होंगे, एरिथ्रोप्लेकिया टाइप, हो जाए तो बोल दिएगा, डन, आगे चलेंगे फिर हम।
क्लास हो गया जी, जल्दी से रीड कर दें और लिख भी लें कुछ के बराबर में। बच्चे आप रीड करो। ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं जो कि हमें लाइक एंड प्रेस में मिलते हैं। सब एक ही में नहीं होते, डिफरेंट कंप्लेन्स होती हैं। ठीक है, हर कोई अपने डिफरेंट फीचर्स के साथ होता है। जी उमर, आप लिख रहे हैं? जर्नल है आपके पास? जर्नल है आपके पास? जर्नल है? क्यों पीछे हैं? तो क्यों नहीं लिखे थे? क्या हो रहा है? क्या बोल रहे हैं आप? रीजंस थोड़े ना वो वाले दिया करें कि जो एक्सेप्टेबल हो, नेट का मसला होता है। बच्चे नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए किसी का, अगर कुछ ना मिस हुआ ना फ्राइडे तक मुझे जर्नल चाहिए सबके। आगे पीछे? नो no. जिस सीक्वेंस से आपके हुए हैं आपको उसी सीक्वेंस से देने। लास्ट मैंने आपको बताया एरिथ्रो प्ले क्या हुआ था, प्री मेलेग्नेंट कंडीशन, सॉरी लीजन। जी क्लास डन। हिस्टोपैथो लिखना स्टार्ट करो, बाद में रीड करते हैं। अटेंडेंस मार्कर, अटेंडेंस मार्कर। सॉ टूथ प्रोफाइल क्या होती है? ठीक है, तो ऐसी क्या होगी? रेटिनेजेस। क्या होती है रेटिनेजेस? एनीवन? उसकी शार्पली डिफाइन, उसके बीच क्या होता है? जी एनीवन जो बता सो, जोर से जोर से। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, बिल्कुल, लेकिन होती किसके दरमियान है? एपिथीलियम के। ठीक है, रिजेस बना रहा होता है बेसिकली। ठीक है, उसमें डिप्स होते हैं एंड
एंड एक और चीज होती है क्रेटेरिज कहते हैं, एक और चीज भी थी आपने पढ़ा है हिस्टो में फर्स्ट ईयर के, पढ़ा है याद आ रहा है किसी को वर्ड? चूंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा है जी। एक और चीज थी इसके साथ, एक रेटेरेज होती है देन बीच में फिर वो चीज आती है जो मिस हो रही है हमसे, देन रेटेरेज आती है फिर से। सॉरी नो, कुछ नाम है उसका, देख के आएगा, मैं भी देख के आऊंगी। लिक्विफैक्शन डीजेनरेशन ऑफ द बेसल सेल लेयर, ये मिलती है हमें, क्या होती है? लिक्विफेक्टिव डीजेनरेशन क्या हो रही है? बीच में स्पेसेस आ रही हैं उसके, ठीक है? पूरी जो एक बेसल सेल लेयर, जो एक प्रॉपर हमारे पास सेल्स आ रहे थे इररेगुलर हो गए, वो बीच में स्पेसेस आ गई हैं, ठीक है? और क्या मिल रही? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सिवियर थिनिंग एंड फ्लैटनिंग ऑफ एपिथीलियम हो रही है, डिस्ट्रक्टिव बेसल सेल लेयर, सही है? उसी की वजह से हाइपर केरिटोसिस, पैरा केरिटोसिस की लाइनिंग होती है, ठीक है? सुपरफिशियल हो गया यहाँ तक। अब हम डायग्राम बनाएंगे लाइकन प्लैनिस की, अभी जो बच्चे लाए हिस्टो पेंसिल्स, और जो नहीं लाए वो बड़ो करके बनाए, ठीक है? डन फेस हो गया, सबका हो गया है, जल्दी करो। जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी ये बात गौर से सुन लें कि आप लोगों ने नेक्स्ट वीक आना है फ्राइडे, जर्नल मुझे सबमिट चाहिए सबका, सबका बिल्कुल कंप्लीट जर्नल होगा अब तक जितने भी हो चुके हैं प्रैक्टिकल, और फ्राइडे डिपार्टमेंट में जर्नल आपका मौजूद होना चाहिए, नहीं तो उसके बाद चेक आप खुद करेंगे। हो गया, ठीक है? अगर बुक से कोई बनाना चाहता है, बुक वाली इजी लगती है, तो बुक में पेज नंबर 129 पे है, 9.21 एंड 9.22, इन दोनों में से कोई भी जो आपको इजी लगे वो बना सकते हो। जो घर पर है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो यहाँ पर है वो इसको ही फॉलो करेंगे जी। एक सेकेंड बच्चे, ये तो नजर नहीं आ रही, एक सेकेंड रुक जाएं। कैसे नजर आएगी अब जी? नो, आप ड्रॉ करें नॉर्मल से, फिर हिस्टो पेंसिल्स करें उस पे। असित भाई इसका कुछ हो सकता है, इसका कुछ हो सकता है? ये ब्लैक हो रही है ना, इसको कुछ करें, नजर नहीं आएगी, बंद करें, देखें करें, देखें, नहीं तो उनको लाएं।
ठीक है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट, आप लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा बन रहा है, ये जिसने पूरे किए हैं उसको पता होगा, 11 बन रहा है। ठीक है, तो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस स्टार्ट करें। ये हमने बहुत डिटेल पढ़ा था, इसको भी बोल रही कि समझ नहीं आया था ऑनलाइन लेक्चर में, नहीं आया था समझ जी। अब आप सामने वो टीचर बैठा होगा तो बोल रहे हैं हाँ हाँ समझ आया था, पूछ लूं पक्की बात है? नहीं नहीं मैम पूछी, आ गया था समझ बस काफी है। वेरी गुड, सही है जी। नाम है, नाम क्या है, एक तो मैं नाम भी भूल गई हूँ आप लोगों के, याद नहीं आ रहे, उस बच्ची का नाम याद नहीं आ रहा जिसको मैं देख रही हूँ। शेजाना, हाँ रीड करो बच्चे। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं, हमने न्यू एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जो हमारे जर्नल का एक्सपेरिमेंट नंबर 11 होगा। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जो आप पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर में। ठीक है, तो काइंडली इसको स्टार्ट करते हैं, अपने जर्नल में लिखना फ्राइडे शाम कंप्लीट चाहिए मुझे विद डायग्राम। ठीक है, हिस्टो पेंसिल से ड्रॉ हुई भी हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं हम जी। अभी लिख रहे हो? अच्छा सही है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आगे चलें। इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी, हाँ बच्चे रीड करो तेज आवाज में। ठीक है, इज आ इज अ करेक्शन, तो इज आ मत लिखिएगा, इज स्टेफनिंग ऑफ द ओरल म्यूकोजा एंड द मोस्ट कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, अच्छा इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर सबसे कॉमन वाला है, सबसे ज्यादा कौन सा रॉ होता है? ठीक है, बीटल नट, बीटल को, ठीक है एरिका नट, यही इसके कॉमन फैक्टर्स हैं इटियोलॉजिकल। और इसमें कुछ फीचर्स होते हैं, हमने पढ़े थे, कुछ अर्ली साइंस होते हैं, कुछ एडवांस फीचर होते हैं, राइट, प्रोडोमल एंड एडवांस। ठीक है, प्रोडोमल को और क्या बोलते हैं? अर्ली। ठीक है,
इसमें हिस्टो में भी कुछ ऐसे फीचर्स थे, अर्ली साइंस एडवांस। जी बिल्कुल, फर्स्ट चेंज कौन सा होता है? हाइनाइजेशन। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? फाइब्रोसिस कहाँ होती है? सब एपिथीलियल कनेक्टिव टिश्यू में स्टार्ट होती है फाइब्रोसिस। क्या होता है उसकी वजह से? जहां पर भी कोई भी पार्ट फाइब्रोज हो रहा है या कोई भी पार्ट हमारे पास फाइब्रस टिश्यू ज्यादा एक्सेसिव बन रहा है तो क्या होगा? हार्डनिंग हो जाएगी स्ट्रक्चर की। ठीक है, जो हार्डनिंग की वजह से या बेंड्स की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से जो माउथ ओपनिंग है वो लिमिटेड हो जाएगी। होती कहाँ ये? इसका कॉमन एरिया कौन होता है? बक्कल म्यूकोजा। कहाँ पर? टेरिगो। ठीक है, रेफे में मिलता है। तो क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रेच नहीं हो पाता, माउथ ओपनिंग बहुत लिमिटेड हो जाती है, जो इसका साइन है। ठीक है, हो गया यहाँ तक? आप नहीं लिख रहे हो बच्चे? वाई? सब एक साथ यही कर रहे हो? वो तो ठीक है। तो अच्छा चलो लिखो, सॉरी। हो गया यहाँ तक? क्लास आगे चलें। फैज आपका हो गया है, बुशरा, चलें। ठीक है, फीचर्स, अर्ली फेज। जी सोलह में कौन बच्ची बैठी है? अलीशा, निशा। निशा पहले रीड करो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। ठीक है, इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो जाए। इट्स लाइक क्वाइट यूजुअल फाइंडिंग नाउ डेज, मिल रहा होता है तकरीबन कुछ पेशेंट्स के बाद ओपीडीज में। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो, जो हमें फिर से एक्सप्लेन करनी पड़े, या आप लोग चाह रहे हो दोबारा से एक मरतबा? एनीवन? बुशरा, फातिमा, फैज, निशा, सबको समझ आया है? पक्की बात है? सोलिया, सबाद, ऐसी चीज जो समझ नहीं आई हो अर्ली साइंस में? इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जो डिफरेंट यू नो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी जब आप सर्च करोगे कि स्टेजेस ऑफ ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेजेस आएंगे, कोई 4 में भी क्लासिफाई कर रहा है, कोई 5 में भी कर रहा है, इवन कोई 6 में भी कर रहा है। ठीक है, डिपेंड्स कि माउथ ओपनिंग कितने लिमिटेड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माउथ ओपनिंग बहुत सारी स्टेजेस हैं। सही है, नॉर्मल कितनी होगी है एक बार फिर बता दीजिए? इन मेल्स 42, ये रेंज नहीं बता दिए। 35 to किसमें होती है? फीमेल्स में। शाबाश, ठीक है, वेरिएशन भी इतनी लो ना जो एक्सेप्टेबल हो। 10 की दे रही है आपने रेंज पूरी, 40-50 जितना लगेगा बीच में। सही जा रहे हो उमर। ठीक है, 45 तक होती है इसकी रेंज, 40 to 45 मेल्स एंड 35 to 14 फीमेल्स, बट इट वेरीज। ठीक है, नॉट यू नॉट
मोस्ट, ये ऑलवेज नहीं कह सकते, लाइक यूजुअली है. क्या लिखा है? कोई बात नहीं बच्चे, एक ही बुक नहीं है, बाकी बुक्स भी हैं. ठीक है, सर्च भी करो आप जो आपको. दोनों में सेम है, दोनों में सेम लिखा है. क्या लिखा हुआ है? बच्चे इसमें बता रही हूँ बहुत सारी वेरिएशन है, ठीक है, नॉर्मल में भी वेरिएशन है, प्लस आपके स्टेजेस में और ज्यादा है. बट आपको जो याद रखनी चाहिए ना एक रेंज, वो ये है. ठीक है, हो गया ये? जी आप बात कर लो मैम से, स्टूडियो अफेयर से बात करें, मैम से बात करें. पावर पॉइंट से हल है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे फिर. आपके तो 50 mm है ना, बहुत ज्यादा है. किसने 50 mm देखनी हो ना माउथ, माउथ ओपनिंग उम्र की देख प्लीज आके. 40 to 50 mm है आपकी बस. ठीक है, और उम्र बस तभी पढ़ स्टार्ट करेंगे जब साइज मिलेंगे. दो उम्र बड़ा भाई है. सॉरी, तो कब की है? डेली होता रहता है. ठीक है, आप जो बता रही हूँ ना बहुत यूजुअल फाइंडिंग है. बहुत पेशेंट्स अब ओपीडी में आ रहे हैं ना, तो बहुत यूजुअली फाइंडिंग मिल रही होती है कि हर वीक में कोई ऐसा पेशेंट मिल जाता है, समझ रहे हो? तो बहुत जल्दी जल्दी मिल रहा है इस तरह वाले केसेस. जी आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो बोल रहे हो. अच्छा, याद रहता है ये बोल रहे हो. ओ अच्छा, ये बात मैंने अभी बताई हो. मैं कुछ नया लाओ. ये बात है, बट आपको फिर मैंने ये भी कहा है कि काउंसलिंग से आपने हेल्प लेनी है, ट्रीटमेंट नहीं है सोम में इतना. ठीक है, डोसेज भी कम है, बट काउंसलिंग से आपने हेल्प लेनी है. इसलिए आप मेडिसिन के लिए कर रहे हो फॉलो, इसलिए तो उससे भी बहुत सारे टॉपिक्स इसके कवर हो रहे होते हैं. अच्छा, तो इसलिए नहीं कोई बात नहीं, कुछ टॉपिक्स हैं जिसके में बहुत अच्छे हैं. वो फेशियल आपका आएगा ना, वो फेशियल वाला बहुत अच्छा है. सही सही है, बहुत अच्छा है, काफी चीजें अच्छी हैं. वैसे आप रिजल्ट ना हो पहले लोगों को पढ़ लो फॉलो, यही बड़ी बात है. चले आगे. लॉजिकल फीचर्स, कुछ क्या इस बच्चे का नाम क्या है? ईशा. ईशा बच्चा रीड करो. ठीक है, इसमें कोई चीज जो एक्सप्लेन करनी है जो समझ नहीं हो?
जी हो गया। सिपा इनकी हो गई अटेंडेंस, इनकी अटेंडेंस हो गई, ले लें। एक सेकेंड। हाँ ले आप। हो गया, आगे चलें क्लास। डन। ठीक है, एक एक्टिविटी है जो आप लोगों ने करनी है, स्लाइड वाली। जी ये भी आप घर से ही करके लाएंगे, ऑब्वियसली ये भी नजर नहीं आएगी क्योंकि मैंने यही वाली करा दी। इनकी अच्छी बनी है, इजी बनी हुई है बहुत। आप सर्च करोगे ना कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हिस्टोलॉजी डायग्राम, और नीचे जाके देखोगे तो इस तरह की जो बनी हुई सर्कल में बहुत अच्छी बनी हुई है, उसमें सबकी है, लाइकन प्लैनिस बहुत सारा लिख लिया। ठीक है, तो उसमें अच्छी बनी हुई है, अगर ये करोगे तो बहुत इजीली बन जाएंगे, बुक की थोड़ी मुश्किल है। जी हाँ दिखाओ पहले कौन सी वाली का ले रहे हो, एक सेकेंड। चेंज हो रहा है तो नहीं हो रहा है वो तो सर, माशाल्लाह कितने अच्छे बच्चे हैं। आप हो रहे हैं के भी सही आया, आप ले लो और शेयर करो। और कहीं नहीं आनी चाहिए पिक्चर।
पर आप उसी से ये वाले स्क्रीनशॉट भी ले लो, जो दबाव ले रहे हैं ना एक्टिविटी का, वो आप लेके वो भी शेयर कर दो। थैंक यू क्लास। जो बच्चे ऑनलाइन है तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हो रहा है, और नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह सबके मुझे जर्नल मिलेंगे कंप्लीट। क्या ठीक है, यहीं पर मीटिंग एंड करते हैं अपनी।